इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, क्योंकि ब्रो, अगर आप इस दुनिया को समझना चाहते हो तो आपको बियॉन्ड टू साइंस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज भी इस ब्रह्मांड में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ब्राइट साइंस। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी सोसाइटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लोग शैतानों की सोसाइटी कहते हैं। इस सोसाइटी का रहस्य क्या है, ये सोसाइटी कब चर्चा में आई, इन सभी बातों को जानने के लिए हमें इस सोसाइटी का इतिहास जानना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। सन 1700 एक डिस्टेंस प्लेस यूरोप, जहां ऑर्डर ऑफ इल्लुमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी का जन्म हुआ। इस ग्रुप के मेंबर्स हम आम आदमियों की तरह भगवान की नहीं बल्कि शैतानों की पूजा करते थे। उनका ये मानना था कि अगर आप अपनी आत्मा शैतान को बेच देते हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। आप अपनी जिंदगी में हर वो एक चीज पा सकते हो जो आप चाहते हो, मतलब कुछ भी, एवरीथिंग। इस इल्लुमिनाटी के मेंबर्स ब्रेफोमेट शैतान की पूजा करते हैं। इस शैतान का सर बकरे जैसा, शरीर इसका औरत जैसा और बाकी के बचे कुछ पार्ट्स जानवरों की तरह हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप अपनी आत्मा इस शैतान को बेचते हो तो वो आपको असीम शक्तियां देगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस ग्रुप की शुरुआत बुरे नहीं बल्कि एक अच्छे इंटेंशन के साथ हुई थी। ये लोग चाहते थे कि पूरी दुनिया में ज्ञान की शक्ति फैल जाए, कोई भी व्यक्ति अज्ञान न छूटे। लेकिन उस समय के शासक ने किसी रीजन के चलते ऑर्डर ऑफ इल्लुमिनाटी को बंद कर दिया। लेकिन कुछ बुरे लोगों ने इस ग्रुप को गुप्त और रहस्यमय तरीके से चलाया, और तब से ये ग्रुप कौन चलाता है, कहाँ है, इसके सीक्रेट मेंबर कौन है, ये भी इस इल्लुमिनाटी की तरह एक रहस्य है। इल्लुमिनाटी का मेंबर कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका कोई दोस्त या फिर आपकी सोसाइटी में कोई भी इंसान इस मिस्टीरियस ग्रुप का मेंबर्स हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है दुनिया में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, बैंकों की लूटपाट होती है, वो सभी चीजें इल्लुमिनाटी के ऑर्डर के चलते होती हैं। बट ब्रो, थोड़ा आप ही सोचिए, क्या अपनी आत्मा शैतान को बेचकर आप सफल बन जाओगे? और अगर बाय चांस बन भी जाते हो तो क्या आप खुश रह पाओगे? एब्सोल्युटली नो। थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए। अगर आपको सफलता मिल भी गई तो वो भी एक शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगी, जिसका आप सभी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट आपको इंटरनेट पर मिल जाती है, जहां आप इस मिस्टीरियस इल्लुमिनाटी ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं और अपनी आत्मा बेच सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। माना कि ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन इंटरनेट पर इस तरह से अपनी रूह को बेच देना ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन बावजूद इसके ये इंटरनेट पर बड़ी तेजी से फैल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो कि बहुत ही कम समय में फेमस हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इल्लुमिनाटी के मेंबर्स हैं, और वे अपनी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कुछ साइन बनाते हैं जो कि उनके इल्लुमिनाटी के मेंबर होने का सबूत देता है। जैसे कि हॉलीवुड सिंगर और सॉन्ग राइटर पॉपी, अगर आप इसकी वीडियोज देखोगे तो वहाँ आपको इल्लुमिनाटी का साइन मिलेगा, और आप इसकी वीडियोस को देखोगे और सुनोगे तो आपको बहुत अजीब सा महसूस होगा, क्योंकि इसके बोलने का ढंग और बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल स्ट्रेंज होता है। मतलब इतनी स्ट्रेंज वीडियोस, मतलब है क्या ये दोस्त? और इसका जो म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे इल्लुमिनाटी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करता है। लेकिन दोस्त,
इल्यूमिनाटी के मेंबर्स भूल गए कि वो उस ऑर्गन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे खुद उसका ऑनर ही सही से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है, ये मिस्टीरियस इल्यूमिनाटी ग्रुप आज भी एग्जिस्ट करता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, आगे ऐसे वीडियोस आएंगे जो कि आपको हिला कर रख देंगे।